नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं रीनू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। आज जो दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा होगी, देश भर में सफाई का परचम लहराने वाले इंदौर ने आखिर स्वच्छता का सातवां आसमान छू ही लिया। तो आज दिल्ली में राष्ट्रपति खुद इंदौर को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलावा इंदौर नगर निगम पहुंच गया है। महापौर, निगमायुक्त और एमआईसी सदस्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण के पुरस्कार की घोषणा आज होनी है। इसे लेकर इंदौर नगर निगम को आमंत्रण पत्र मिल गया है, जिससे यह तय हो गया है कि इंदौर को पुरस्कार मिलेगा। आज नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सामने इंदौर के सातवां आसमान छूने का खुलासा किया था। इंदौर को लगातार सातवीं बार सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब मिल रहा है। इंदौर को 2017, 2018, 2019, 2020, 21 और 2022 में भी नंबर वन का तमगा मिल चुका है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित इंदौर महापौर, नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह, 7 एमआईसी मेंबर सहित सफाई महिला मित्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इंदौर से करीब 50 लोगों का दल दिल्ली में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेगा। आज का बड़ा दिन इंदौर के लिए बेहद खास, ऐतिहासिक दिन, कहीं ना कहीं ये इतिहास दर्ज करने वाला दिन है, क्योंकि सातवीं बार है जब खिताब ये अपने नाम इंदौर कर रहा है। बड़ा ये दिन है और जिस तरह से लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं स्वच्छता में लोगों का हाथ रहा है, उसके लिए भी कई बार महापौर भी धन्यवाद कह चुके हैं, मंत्री लोग भी धन्यवाद कर चुके हैं, और एक बार फिर से स्वच्छता का परचम लहराने इंदौर जा रहा है। सातवीं बार खिताब अपने नाम कर रहा है। बेहद आज का खास दिन, बड़े दिग्गजों की मौजूदगी दिल्ली में आज रहने वाली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मानित करेंगे। और इंदौर में जश्न का माहौल है, इसे लेकर के ढोलक की थाप पर जश्न मना रहे हैं लोग। अवार्ड घोषित होने से ही पहले ही जश्न की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं इंदौर में। तो आप ये देखिए कि 56 दुकान पर लाइव प्रसारण के लिए लगाई गई स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जहां पर लोग आते जाते भी देख पा रहे हैं। और पूरा इंदौर आज खुशी से झूम रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सातवें आसमान पर आज इंदौर देखा जाएगा। जश्न का माहौल बना हुआ है, ढोलक की थाप पर जश्न मना रहे लोग। अवार्ड घोषित होने से पहले ही जश्न देखिए, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए नगरवासी। और स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड घोषित होने से पहले ही जश्न की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। 56 दुकान पर लाइव प्रसारण के लिए स्क्रीन लगाई गई है, ताकि लोग देख पाए और ये समझ पाए कि किस तरीके से पूरा इंदौर आज खुशी से झूम रहा है। आम लोग तो है ही, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बेहद खास तस्वीर यह है इसमें कि जो सफाई कर्मी है, जिनका अहम योगदान इसमें रहा है, वो भी यहां पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत खुशी उनके अंदर है कि इतनी हमारी जो मेहनत है कहीं ना कहीं एक बार फिर से रंग लाई है और सातवीं बार खिताब इंदौर अपने नाम करने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इंदौर से, तो वहीं शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले मिथिलेश, आपका ही रुख करती हूँ। स्वच्छता का आज सातवीं बार खिताब जीतने इंदौर जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि इंदौर वासियों के लिए। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अभी तो अवार्ड मिलना है, उससे पहले ही जो लोग हैं नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर खास बात यह है कि जिनका खास योगदान रहा है सफाई कर्मियों का, वो भी यहाँ पर नाच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ 56 की, और 56 के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो गुंडा शर्मा भी यहाँ मौजूद है और ढोल नगाड़े के साथ ही
छप्पन बाजार की अगर बात की जाए तो देश का इकलौता ऐसा बाजार है जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सर, स्वच्छता हमारी आदत में है, क्या क्या बदलाव किया गया है? सर, सबसे पहले तो बधाई है उन मेरे सफाई मित्रों को जो कि अनवरत यहां पर काम करते रहे। सफाई जो हमारा जहन है, सफाई हमारी रगों में है, सफाई हमारी आदत है और वो आदत ही इस बात का प्रतीक है कि सातवें पुरस्कार तक हमने किसी भी शहर को हमारे बराबर समकक्ष तक आने नहीं दिया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि इंदौर शहर की जनता अब सफाई पसंद जनता है। और मैं ये मान के चलता हूं कि जब तक ये सर्वेक्षण चलेगा तब तक इंदौर शहर को कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सफाई हमारी आदत बन गई है और अब हमें कोई हरा पाएगा इस बात की उम्मीद बहुत कम है। छप्पन ने क्या क्या बदलाव किया है? सर, छप्पन ने जब ये बदलाव किए तो हम पहले हैंडल बैग बंद किए, फिर हमने हमारे यहाँ की सफाई की, फिर हमने प्लास्टिक डिस्पोजेबल बंद किए और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बाजार रहा जो डिस्पोजेबल फ्री बाजार रहा। एक ऐसा बाजार जो खाऊ बाजार जहां पर बिना डिस्पोजेबल के कोई कल्पना नहीं कर सकता है, उस बाजार को हमने बिना डिस्पोजेबल के चलाया और वो ही हमारी सबसे बड़ी विशेषता बनी, क्योंकि कचरे को पैदा ही नहीं किया तो खत्म करने के लिए हमें कोई पर्याय बना नहीं। और ये वही शहर है जहां पर बैक लेन में पोहा पार्टी होती है, आप यकीन नहीं कर सकते। ये वो शहर है जहां पर बैक लेन में पोहा पार्टी की जाती है और नाले के ऊपर में पूरा एक डिनर का जो आयोजन है वो किया जाता है, यानी लोग जो नाला है उसके ऊपर खड़े होकर भोजन कर लेते हैं। ये वो शहर है जहां पर सड़क के किनारे लोग बैठकर खाना खाते हैं। आदर्श रोड बनाएगा, आइडियल सड़क इंदौर में बनाएगी और स्वच्छता, अगर स्वच्छता सीखना है तो इंदौर से सीखो, क्योंकि ये यहां के लोगों के रगों में है, जुनून है, स्वच्छता आदत है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और देखिये इस वक्त नेशनल एंथम जो है वो शुरू हो चुका है छप्पन पर और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं छप्पन भोग की तस्वीरें, और जैसा कि आपने सुना मिथिलेश का कहना है कि यहां पर लोग रोड के किनारे बैठकर खाना भी खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, लेकिन स्वच्छता की जो मिसाल इस बार एक बार फिर से इंदौर ने पेश की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और ऋतु, सफाई के साथ साथ पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि हर जगह देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हुए बगैर किसी भी दुकान का संचालित हो पाना मुश्किल है, लेकिन छप्पन भोग एक ऐसी जगह इंदौर की जहां पर बहुत बड़ी बाजार है, बहुत बड़ी तादाद में लोग खाने पीने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की सफाई व्यवस्था काबिले तारीफ है। आप देखिए रिनू की कोई भी कार्यक्रम अगर इंदौर में होता है, बड़े से बड़ा कार्यक्रम, चाहे वो होली का आयोजन हो, दीपावली हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, उस समय पर आप देखेंगे स्थिति उसकी और उसके आधे एक घंटे के बाद स्थिति आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप इसी जगह पर मौजूद थे। इतनी गंदगी थी, इतना सब कुछ फैला दिया गया था उस उत्सव के दौरान, पर वो मिनटों में ऐसे साफ कर दिया जाता है कि यहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये खासियत है इंदौर की, ये नगर निगम की खासियत है, सक्रियता है कहीं ना कहीं, जो दर्शाता है कि आखिर किस तरह से इंदौर सक्रियता के साथ कामों में आगे बढ़ता है और सफाई के मामले में कहीं भी किसी भी तरह का रिस्क हम कहें या किसी भी तरह की लापरवाही हम कहें, यहां पर नहीं ली जाती। बिल्कुल, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता ही उस जिले या उस राज्य की सुंदरता को बढ़ाता है और यही कुछ तस्वीर इंदौर की देखने को मिलती है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति बच्चा बच्चा जागरूक है कि उन्हें अपने आसपास भी कचरा नहीं फैलाना है और यदि उन्हें कचरा पड़ा मिलता है तो उसे तुरंत उठाकर वे डस्टबिन में डालते हैं। और लगातार सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आज के अवार्ड में भोपाल भी शामिल है, भोपाल को भी अवार्ड मिलेगा, स्टेट कैपिटल का अवार्ड आज मिलने जा रहा है, इस बार भी मिलने जा रहा है। क्या कैसा खास उत्साह, चूंकि स्वच्छता के मामले में कैपिटल को ये पुरस्कार मिलना, अवार्ड मिलना बड़े ही खुशी की बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसी भी राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि क्लीनेस्ट
कैपिटल ऑफ द इंडिया का अवार्ड जो है वो आज राजधानी भोपाल को मिलने जा रहा है। उस अवार्ड को लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री वहां मौजूद हैं और भोपाल की मेयर मालती राय भी वहां पहुंची। और जिस तरीके से इंदौर के साथ साथ भोपाल में भी खासकर कचरे के निस्तारण को लेकर जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई है, नगर निगम ने जो सराहनीय काम किया है, इसके साथ ही लोगों का जो सपोर्ट रहा है, देखिए 5 तरह का कचरा जो है वो अलग अलग तरीके से जो घरों से कलेक्शन किया गया और उसका सही तरीके से निस्तारण किया गया, यानी जो कचरे के निस्तारण को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को क्लीनर सिटी का अवार्ड आज मिलने जा रहा है। और इसके साथ साथ देखिए मध्य प्रदेश के 6 कुल ऐसे शहर है जिसको अब से कुछ देर बाद जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश के दूसरे शहर भी स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग कैटेगरी में आज वो अवार्ड हासिल करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज इंदौर और भोपाल के सहित जो 6 शहर आज सम्मानित हो रहे हैं और आने वाले समय में इन शहरों से सबक लेते हुए छोटे छोटे शहर हो वो भी अब इससे सीख लेंगे और अपने इलाके में स्वच्छता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि अगले साल जब अवार्ड हो तो मध्य प्रदेश के 6 नहीं बल्कि कई और शहर ऐसे हों जो स्वच्छता के अवार्ड लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हों। जी जी बिल्कुल, और आज तो खुशी की बात है ही, भोपाल इंदौर से लगातार तस्वीरें ऐसी आ रही है शैलेंद्र, जब देखा जा रहा है खुशी का माहौल है, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, भोपाल में भी ऐसा कुछ माहौल है क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल में फिलहाल तो इस तरह के जश्न की तस्वीरें नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए जब यहां से जब वो रवाना हुए थे तब इस तरह की जानकारी नहीं थी किस तरह का अवार्ड मिलना है, केवल सूचना जरूर मिली थी मालती राय को कि आपको उस कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। तो अब चूंकि पुरस्कारों की बात ऐलान हो चुका है कि किस शहर को किस श्रेणी में अवार्ड मिलना है, तो निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद नगर निगम दफ्तर के बाहर भी इंदौर की तरह जश्न की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। जी शैलेंद्र, पर खास बात यह भी है कि सिर्फ एक या दो अवार्ड नहीं, एमपी के लिहाज से अगर हम देखें तो 6 अवार्ड हैं जो एमपी के नाम होने जा रहे हैं। आखिर किसके श्रेणी में ये रहने वाले हैं, उस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर की बात करूं तो संपूर्ण स्वच्छता के लिए इंदौर को 7वीं बार अवार्ड मिलने जा रहा है, राजधानी भोपाल को क्लीनर सिटी के तौर पर जो है वो कैपिटल के तौर पर आज अवार्ड मिलेगा, इसके अलावा जो अमरकंटक है, बुधनी है, इनको भी अवार्ड मिलने वाला है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो महू कैंट को पहला स्थान मिला, देश भर के 61 कैंटों को स्वच्छता के लिए नामांकित किया गया था जिसमें महू कैंट जो है वो सबसे स्वच्छ कैंट का इलाका माना गया, उसको अवार्ड मिलने वाला। बुधनी जो है वो नगर देश का नंबर 1 कस्बा है, वाटर प्लस का अवार्ड मिलने जा रहा है, यानी कम आबादी के शहरों में 25,000 की जो आबादी है उसकी कैटेगरी में बुधनी नंबर 1 है पूरे देश भर में। तो ये बताता है किस तरीके से बुधनी के लोगों ने इसमें अगर अपना योगदान दिया है। अमरकंटक को स्वच्छता में नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, अमरकंटक के 6 नगरीय जो निकाय है वो ODF प्लस के तौर पर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी में मध्य प्रदेश के अलग अलग जो शहर हैं उनको आज सम्मानित किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के खाते में कही जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, और एक बार फिर से रुक करेंगे इंदौर का, मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि सफाई कर्मी ही जो होते हैं जो लगातार सफाई व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी कैसे रिएक्शन है क्योंकि उनके लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है? चलिए सबसे पहले उनसे बात भी करते हैं, टच करने का प्रयास करेंगे इन सब महिला सफाई मित्रों से, क्योंकि इनकी बदौलत ही स्वच्छ है इंदौर पिछले 6 सालों से और 7वां अवार्ड लेने जा रहा है, क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि इंदौर 7वीं बार नंबर 1 आ रहा है और हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा इंदौर हमेशा स्वच्छ रहे और साफ रहे, पूरी कोशिश करते हैं हम। सुबह से 6 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने काम में जुटे रहते हैं ताकि पूरा इंदौर एकदम स्वच्छ दिखे और साफ दिखे। अच्छा, जब अवार्ड की बात आती है तो मन में क्या कुछ चल रहा होता है, कितना इंतजार आप लोग रहता है, कितनी खुशी मिलती है क्योंकि 7वां आसमान छूने हम जा रहे हैं? बहुत खुशी होती है जब अवार्ड का टाइम आता है तो हमें भी ऐसा लगता है कि कब हमारा इंदौर नंबर 1 आए। और साथ ठंडी गर्मी हर दिन आप लोग सब हो, सभी मौसम में हम हमारा काम चालू ही रखते हैं पूरे मौसम में। कहते हैं कि आप लोगों का जुनून इतना है कि आप सड़क को ही अपना घर मानती हैं। हाँ, घर के जैसी सफाई करते हैं ना हम। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, नंबर 1, 7वीं बार, कितना मेहनत करते हैं ठंड बारिश पूरे में रात दिन की। बोलो ना, काहे की शरम है? हाँ,
हमारी मेहनतों से तो नंबर वन आता है। ठंड हो बारिश हो मेहनत करते है, बच्चे छोटे आते है काम पे, डरते नहीं हम अंधेरे से, फिर मेहनत तो करेंगे ना, जब भी तो सब नंबर वन आएगा। अपने शहर को साफ रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं? करते हैं सर, करते हैं, करना पड़ेगा बिल्कुल। ये जो महिला सफाई मित्र है या नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो अपने आप को सिर्फ काम तो नहीं रखते हैं, अब ये इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो तस्वीर हमने दिखाई है जब दुनिया के सबसे अच्छी जो रंग पंचमी है जब गेर निकलती है तो इंदौर में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही पूरे राजवाड़ा को साफ कर दिया जाता है। फिलहाल देखिए दूसरी तरफ भी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं, सातवें आसमान के ऐलान होने का तैयारियां पूरी है और जश्न के लिए आज इंदौर में कई सारे कार्यक्रम होने, नगर निगम में बड़ा कार्यक्रम होना है, राजवाड़ा में कार्यक्रम होगा, छप्पन में कार्यक्रम होगा, और जब आज महापौर अपनी टीम के साथ स्वच्छता का अवार्ड लेकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक भव्य रोड शो होगा और जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिलेगी राजवाड़ा पे, जहां पर पूरा इंदौर इकट्ठा होगा, क्योंकि ये पूरे इंदौर की जीत है और ये पूरे इंदौर के अवार्ड है, इंदौर की जीत है और ये बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा, बेताज बादशाह जो है स्वच्छता का इंदौर है और जिस तरह के नवाचार इंदौर में हुए हैं ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, किसी शहर में नहीं हुआ। और आप ये भी देखिए कि टॉप थ्री में लगातार वही शहर आए पर फिर भी पिछड़ गए, कुछ अंकों से पिछड़ गए, कितना भी सीखने की कोशिश की गई इंदौर से पर नहीं, नंबर वन पर नहीं आ पाए। देखिए अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर ने नो थूथू अभियान चलाया जिसका आज जिक्र किया जा रहा है, इंदौर ने बेक लेन पर पोहा का पार्टी की वो तस्वीर दिखाई जा रही है, उस बात का जिक्र किया जा रहा है, नाले के ऊपर में एक डिनर पार्टी की जाती है उसकी चर्चा चल रही है, और ये वो शहर है जहां पर दो से चार नहीं कम 10 से ज्यादा आदर्श रोड है जहां पर सभी जनप्रतिनिधियों ने साथ में बैठकर भोजन किया, वो इतना साफ सुथरी सड़क है। तो इंदौर ने नवाचार किया है, इंदौर ने ट्रिपल आर पे काम किया है, इंदौर वो शहर है जहां पर दुनिया देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट है जहां पर कचरे से मीथेन गैस बनाई जाती है और मीथेन गैस का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया जाता है, और आज जश्न में हर एक लोग घुमा हुआ इंदौर के लोग होता है, हम अपने को गर्वान महसूस करते हैं जब इंदौरी है, और इंदौरियों के लिए सबसे बड़ा दिन कौन नहीं हो सकता है क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए त्यौहार है, स्वच्छता यहाँ के लोगों की आदत में सुमार हो चुकी है। और ये तस्वीर भी हम आपको छप्पन दिखा रहे हैं, और जैसे ही ऐलान होगा जैसे ही अवार्ड इंदौर को मिलेगा बड़े जश्न के लिए इंदौर तैयार है, जगह जगह पर बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए, जगह जगह पर तैयारियां की है जश्न की, और इंदौर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये सबको पता है, ये पहले से तय था कि हम ही होंगे, स्वच्छता का जो सिरमौर है वो इंदौर के नाम होगा, स्वच्छता का जो अवार्ड होगा इंदौर के नाम होगा, बस ऐलान का इंतजार है, और ऐलान होते साथ ही इंदौर की तस्वीर बदल जाएगी। बड़ा दिन है इंदौर के लिए और आज इंदौर के लोग बड़े दिन में साक्षी बनना चाहते हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है कि बस अवार्ड मिले और उसके बाद वो घरों से निकल जाए, राजवाड़ा हो, नगर निगम हो, छप्पन हो, तमाम बड़े जो चौराहे वहाँ पर एक बड़ा जश्न देखने को मिलेगा। तो आज इंदौर एक उत्सव के रूप में, एक बड़े त्यौहार के रूप में स्वच्छता का जब अवार्ड मिलेगा तो जश्न सेलिब्रेट करने वाला, और वो तस्वीर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, वो तस्वीर होगी राजवाड़ा के आतिशबाजी की, वो तस्वीर होगी एयरपोर्ट से लेकर राजवाड़ा तक के भव्य रोड शो की, एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि आज इंदौर स्वच्छता में फिर से सिरमौर बनने जा रहा है, सातवां आसमान छूने जा रहा है आज इंदौर। जाहिर सी बात है, और कहते हैं कि किसी मुकाम को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उस मुकाम पर बने रहना मुश्किल होता है। एक उपलब्धि इंदौर ने पहले से हासिल कर ली और लगातार सातवीं बार उस उपलब्धि पर बरकरार है इंदौर, तो खुशी दोगुना तो होगी ही ऋतु। और हम देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर तमाम जो शहर के अंदर तक आएंगे लोग और खुशी मनाई जाएगी, पूरे रास्ते जश्न की तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। भोपाल जो कि भोपाल ने भी कई सारी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हैं, शैलेंद्र बहुत खुशी की बात है, भोपाल सीखने की कोशिश कर रहा है लगातार कि किस तरीके से नंबर एक पर पहुंचे, कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी रह जा रही है, और यही कारण है कि भोपाल चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद पीछे हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के खाते में 6 अवार्ड।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंदौर से न केवल राजधानी भोपाल बल्कि पूरे भारत के शहर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से स्वच्छता के जो मानक तय किए गए हैं उनमें अपने आप को फिट किया जाए, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी जो अन्य शहर हैं वह इंदौर की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, या ये कहें कि इंदौर को स्वच्छता रैंकिंग में नहीं पछाड़ पा रहे। हालांकि राजधानी भोपाल को लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि क्लीनेस्ट कैपिटल के तौर पर आज उसको नवाजा जा रहा है, और न केवल राजधानी भोपाल बल्कि इसके अलावा जो चाहे वह बुधनी हो, 25,000 से अधिक कम आबादी वाला कस्बा जहां डोर टू डोर कचरे को कलेक्शन को लेकर उसको अवार्ड मिलने जा रहा है, अमरकंटक का इलाका हो जहां पर ODF प्लस का अवार्ड मिल रहा है, कैंट जो महू कैंट है उसको सबसे स्वच्छ देश का कैंट का अवार्ड मिलने जा रहा है, तो ये अवार्ड है ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भी लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं, खासकर इंदौर को लेकर। तो देखिए बड़ी बात है ये कि सातवीं बार, जिस बात का आपने जिक्र किया कि एक बार सफलता मिलना आसान है लेकिन सफलता के उस शिखर पर लगातार बरकरार रहना एक बड़ी उपलब्धि इंदौर के खाते में है, तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार स्वच्छता को लेकर काम कर रही है, लोगों का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। देखिए केवल सरकार के अकेले प्रयास से ये तमगा हासिल करना संभव नहीं है, जब तक कि लोगों का सहयोग ना मिले तो ये कहा जा सकता है कि इंदौर के लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं, और उसकी देखा देखी अब मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों के लोग भी अपने अपने इलाकों को स्वच्छ बनाने की दिशा में लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के खाते में इस बार 6 अवार्ड आए हैं। जी ठीक, लगातार बने रहिए, मिथिलेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। 7 स्टार का तमगा जो है इंदौर के पास है, और कहीं ना कहीं मिथिलेश ये ताज एक बार फिर से इंदौर को पहनाने जा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड से सम्मानित करेंगी। मैं आपके पीछे तस्वीरें देख रही थी, कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, चूंकि पीला कलर बहुत शुभ माना जाता है, आज गुरुवार भी है तो इस लिहाज से बहुत शुभ ये, उनसे बात करिएगा आखिर ये थीम क्यों तैयार की गई और क्या सोच करके की गई, बात करिए। हाँ जी बिल्कुल, बात करेंगे इनसे ही बात करेंगे। स्वच्छता सातवां आसमान छूने जा रहे हैं हम। आप लोग कहाँ से हैं? एक टी शर्ट पहनी है आप लोगों ने, येलो कलर की, पूरा ग्रुप है। हम लोग स्वच्छता सफाई अभियान NGO से हैं, और ये लोग हम लोगों के दिन रात मेहनत का काम है, प्लस में जो सफाई कर्मचारी उन लोगों की भी मेहनत का कमाई है, इसलिए आज स्वच्छता में इंदौर 7वीं बार नंबर 1 है। और हम लोग सुबह 6 बजे से उठ के फील्ड में उतर जाते हैं, 2-3 बजे तक रहते हैं, प्लस में शाम को भी सब कुछ करते हैं, इसीलिए स्वच्छता में इंदौर सफाई में इस बार 7वीं बार नंबर 1 आया है। उनसे भी हम बात करेंगे जिनके ऊपर स्वच्छता की बड़ी जिम्मेदारी होती, ये वो लोग हैं कि जो सुबह से उठते हैं, वॉन्डरिंग करते हैं, सफाई मित्रों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं बेहतर। क्या कहेंगे आज कितनी बड़ी दिन है, कितनी मेहनत रहती है आप? सुबह हम 6:30 बजे से उठ के हम लोग सभी लोग मेहनत करते हैं। मैं हमारे कमिश्नर हर्षिका सिंह मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिद्धार्थ जैन सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही हमारे सफाई मित्र व इंदौर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमने स्वच्छता का सातवां आसमान छू लिया है। ये आज 56 का जश्न माहौल देख ही रहे हैं सभी लोग, जनता डांस कर रही है, हमारी टीम यही है, सभी जनता व हमारे सफाई मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद। ये वो शहर है जहाँ लोग गंदगी करते नहीं है, और किसी ने किया तो उसे लोग सिखाते भी हैं। बिल्कुल सही है, हमने जब भी शहर में बड़ी बड़ी मुहिम चली और इवन हमने थूकने वालों को भी रोका कि थूकना भी मना है, तो ये वो शहर जहाँ पर खा के फेंका नहीं जाता है, जहाँ पर खा के धोया जाता है, मतलब जो हमारा जो खाने का जो आइटम है वो हम लोग क्रॉकरी में करते हैं, कहीं भी डिस्पोज नहीं है कि खाया और फेंका, तो ये हमारी आदत है और वो आदत ही हमें स्वच्छता में प्रथम नंबर पर लेकर पहुंच रही है। मैं फिर से बोलता हूं कि आप एक नहीं 100 प्रतियोगिताएं करा लीजिए, इंदौर शहर नंबर 1 था है और रहेगा, इसको परास्त करना अब हिंदुस्तान के किसी शहर की ताकत नहीं है। छप्पन बाजार का अगर मिथिलेश देखने लायक तस्वीरें होंगी अभी, चूंकि कुछ क्षणों में अवार्ड सम्मानित किया जाएगा, चूंकि सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है और बेसब्री से मुझे लग रहा है वहां पर इंदौर वासी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे अवार्ड दिया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, और यहां पर ये जश्न मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आतिशबाजी करेंगे, कुछ ही क्षणों का इंतजार। मिथिलेश आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है, अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है, कुछ क्षणों का इंतजार और है
इंदौर वासियों को इंतजार हालांकि हो नहीं रहा होगा, बस इंतजार कर रहे होंगे कब अनाउंसमेंट होगा और यहां पर आतिशबाजी होगी, ढोल नगाड़े बजेंगे और नाचते थिरकते हुए नजर आएंगे। सही कहा आपने कि अवार्ड सेरेमनी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इंदौर के लोग तो इंतजार कर रहे हैं बस ऐलान होने का। मैं फिर से कहूंगा कि इंदौर को ये तो पता है कि स्वच्छता का अवार्ड इंदौर के नाम ही होगा, नंबर वन तो इंदौर ही रहेगा, बस ऐलान होना बाकी है और जैसे ही अवार्ड इंदौर महापौर के हाथ में आएगा उसके बाद इंदौर में जश्न।